हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की गिनती हिस्ट्री की उन चुनिंदा लड़ाइयों में की जाती है जिन्होंने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। हम लोग देखेंगे ये बैटल क्यों हुई, किसके बीच में हुई और इसके क्या परिणाम निकले, और आगे चल के इस बैटल का क्या सिग्निफिकेंस था या इम्पैक्ट रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानने से पहले कि ये दो लोग कौन हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई। तो ये जंग लड़ी गई थी 1526 में, और इस बैटल में आमने सामने थे बाबर और इब्राहिम लोदी। अब हम लोग बाबर और इब्राहिम लोदी का ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। 1526 में जब ये दोनों बैटल ग्राउंड में आमने सामने खड़े थे, तब बाबर की एज 43 साल की थी, जबकि इब्राहिम लोदी की एज रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। बाबर तैमूर और चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, जबकि इब्राहिम लोदी अफ़गान रूलर बहलूल खान लोदी का डिसेंडेंट था, जिसने लोदी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी 1451 में। बाबर ने काबुल को कॉन्कर किया था 1504 में, इससे पहले उसे फरगना और समरकंद से निकाला जा चुका था, जबकि इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली का सुल्तान बन गया था, यानी बैटल ऑफ पानीपत से लगभग 10 साल पहले से दिल्ली सल्तनत संभाल रहा था। बाबर इब्राहिम लोदी पर अटैक करने आया था सिर्फ 12,000 सोल्जर्स के साथ, जबकि इब्राहिम लोदी उसका सामना करने के लिए तैयार था विद 1,00,000 सोल्जर्स। बाबर अपने साथ लेकर आया था गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी। आर्टिलरी का मतलब होता है भारी भरकम वेपन्स। बैटल ऑफ पानीपत वो पहली लड़ाई थी इंडिया की ज़मीन पर जिसमें गन पाउडर और फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास थे 1,000 से भी ज़्यादा हाथी वाली फ़ौज। इस फौज के सहारे वो पहले काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जीत चुका था और अपने दुश्मनों को हाथियों के नीचे कुचलवा चुका था। एक्चुअली उस टाइम तक ज़्यादा हाथी जंग के मैदान में आपकी जीत सुनिश्चित कर देते थे। ये तो हो गई दोनों तरफ की तैयारी, बट क्वेश्चन ये है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी पर अटैक क्यों किया? क्योंकि दिल्ली सल्तनत कोई वीक टारगेट तो था नहीं, और ना ही बाबर का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड था किसी स्ट्रॉन्ग किंगडम को एक्वायर करने का। बल्कि इसके बिल्कुल उलट, बाबर को पहले फरगना और समरकंद जहाँ पर वो रूल करता था उसे तो वहाँ से भी भगाया जा चुका था। इनफैक्ट समरकंद और फरगना को वापस लेने के लिए उसने ऑलमोस्ट 20 कोशिशें की और उनमें सब में वो नाकाम रहा। तो बाबर के दिल्ली सल्तनत पर अटैक करने की असली कारण ये है कि समरकंद और फरगना से भगाए जाने के बाद उसने काबुल को कैप्चर कर लिया था, बट काबुल कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें वो ज़्यादा दिन तक सेटिस्फाइड रह पाता। इसीलिए उसने वेस्टर्न साइड पर अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो नाकाम रहा। तो अगर उसे ईस्ट साइड में अभी अपने किंगडम को एक्सटेंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत उसके सामने आती है, तो इसीलिए उसने दिल्ली सल्तनत पर अटैक किया। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के चाचा अलाउद्दीन लोदी और बाद में पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी बाबर को इब्राहिम लोदी पर अटैक करने के लिए बार बार मना रहे थे और इन्वाइट भेज रहे थे। बैटल ऑफ पानीपत वो पहला बैटल था इंडिया की ज़मीन पर जहाँ पे गन पाउडर और फायर आर्म्स का यूज़ हुआ, जिसने काफ़ी हद तक गेम पलट दिया था। उन दिनों के फायर आर्म्स कोई ख़तरनाक वेपन्स तो थे नहीं कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने के लिए, बट कमाल की बात है कि फायर आर्म्स से जितना नुकसान पहुँचाया उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इन वेपन्स और तोपों से निकलने वाली आवाज़ ने पहुँचाया। बेसिकली हो क्या गया था कि तोपों से निकलने वाली आवाज़ ने हाथियों को डरा दिया। हाथी आगे पीछे भागने लगे और हड़कंप समझ गया, और इब्राहिम लोदी के ही सिपाही हाथियों के पैरों के नीचे कुचले गए। इसके अलावा बाबर ने एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी लगाई पानीपत के मैदान में। जब वो इब्राहिम लोदी और उसकी फौज का वेट कर रहा था, उसने वहाँ पर 25 फीट गहरे और 7 किलोमीटर लंबे गड्ढे खुदवा दिए और इसमें कुछ नोकीली चीज़ें छुपा दी और उसे ऊपर से कवर कर लिया ताकि दुश्मन जैसे ही अपना पहला हमला करे तो वो गड्ढे में गिर जाए, जिससे सामने वाली फ़ौज को थोड़ा टाइम मिल जाए संभलने के लिए और दूसरी फौज कन्फ्यूजन में आ जाए कि गड्ढे कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। इसके अलावा बैलगाड़ियों को एक सीरीज़ में लगा दिया और सारी बैलगाड़ी एक दूसरे से लेदर या फिर चमड़े की रस्सियों से बांध दी।
ये बैलगाड़ियों की सीरीज़ एक बाउंड्री की तरह एक्ट कर रही थी, जिससे दुश्मनों के लिए एक बाउंड्री क्रिएट हो गई थी। इससे आगे दुश्मन आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और इन बैलगाड़ियों के बीच में सिपाही खड़े कर दिए गए बंदूक देके। साथ में उसकी जो फौज थी उसको लेफ़्ट विंग, राइट विंग और एक सेंटर विंग में सेग्रीगेट कर दिया। और तोपों को बैलगाड़ियों के बीच में रख दिया। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी एक हाथियों, घोड़ों और सिपाहियों की एक भीड़ लेकर मैदाने जंग में पहुंच गया। उसकी फ़ौज ने जैसे ही बाबर पर अपना पहला अटैक किया, फ़ौज के कुछ हिस्सा गड्ढों में गिर गया। उसके बाद तोपों की आवाज़ों ने हाथियों को डरा दिया और इसी आपाधापी में फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा हाथियों के पैरों के नीचे कुचला गया। इब्राहिम लोदी और उसकी फ़ौज कुछ संभल पाती इससे पहले बाबर का लेफ़्ट विंग और राइट विंग ने इब्राहिम लोदी की फ़ौज को बुरी तरह से काटना शुरू कर दिया। और साथ में बाबर के आर्चर्स यानी तीरंदाजों ने बचे कुचे सिपाही और घुड़सवारों को भी अपना निशाना बना लिया। बाबर सेंटर विंग के बीच से स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा था, जबकि उसका बेटा हुमायूं लेफ़्ट विंग को लीड कर रहा था। बाबर ने यह जंग जीत ली थी। इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया था। इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी की फ़ौज के हर एक सिपाही का सर कलम करवा के एक दीवार खड़ी कर दी। ये दीवार 35 फीट ऊंची थी और इस दीवार को बनाने का मकसद ये था ताकि लोगों को पता चले कि अब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो चुकी है और मुगल्स दिल्ली में आ चुके हैं। बैटल ऑफ पानीपत ने लोदी डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत से उखाड़ के फेंक दिया था। वो लोदी डायनेस्टी जो 1451 से वहाँ पर रूल कर रही थी, और अब से अगले 300 सालों तक दिल्ली पर मुग़लों का शासन होगा। मुग़ल एरा शुरू हो चुका था। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बुक्स तवा चैनल पर और भी काफ़ी सारे हिस्ट्री टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।